हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइपेटेरियस के बारे में। दोस्तों, आज उन्होंने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े गेंदबाज तक नहीं कर पाते कभी कभी। दोस्तों, उन्होंने आज अपने 13th मैच में 5 विकेट ले लिए और दोस्तों उनका ये पहली बार है कि T20 में 5 विकेट लेना। दोस्तों, मेरे हिसाब से T20 क्या, उनके पूरे करियर में ये पहली बारी है। और दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ड्वेन पिटेरियस ने कौन कौन से विकेट गिराए। तो दोस्तों, ड्वेन पिटेरियस ने पहले विकेट लिया था बाबा आजम का। दोस्तों, बाबा आजम कितने बड़े और कितने खतरनाक खिलाड़ी है वो तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों, ट्वेन पिटेरियस ने उनको 5 रनों पे ही आउट कर दिया। और दोस्तों, बाबा आजम ने कुल 4 ही बॉलें खेली थी और ट्वेन पिटेरियस ने बाबा आजम को LPW आउट करा। और दोस्तों, जो उन्होंने दूसरा विकेट गिराया था वो गिराया था इफ्तिकार अहमद का। दोस्तों, ड्वेन पिटेरियस ने इफ्तिकार अहमद को आउट करा था और उनका कैच डेविड मिलर ने पकड़ा। और दोस्तों, इफ्तिकार अहमद ने 21 गेंदों में 20 ही रन बनाए थे। दोस्तों, इसका मतलब इफ्तिकार अहमद सेट हो गए थे, लेकिन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में इफ्तिकार अहमद भी आउट हो गए। और जो उन्होंने तीसरा विकेट गिराया था वो गिराया था सबसे खतरनाक बल्लेबाज जो अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, मोहम्मद इस्वान का। दोस्तों, मोहम्मद इस्वान 51 पे खेल रहे थे, वो भी 41 गेंदों में, लेकिन ड्वेन पिटेरियस ने उनका भी विकेट गिराया और उनका कैच एंडने फेलुचायो ने पकड़ा। और दोस्तों, जो उन्होंने चौथा विकेट गिराया था वो गिराया था खुशदिल शाह का। दोस्तों, खुशदिल शाह भी लगभग अच्छे ही बल्लेबाज है। और दोस्तों, खुशदिल शाह भी 15 रन बना के खेल रहे थे 18 गेंदों में। इसका मतलब वह भी एक टाइप से देखे तो सेट हो गए थे, लेकिन ड्वेन पिटेरियस ने उनको भी आउट कर दिया और उनका कैच पकड़ा था हनीज कासिम ने। और दोस्तों, जो 5वां विकेट गिराया था ड्वेन पिटेरियस ने वह गिराया था हम मोहम्मद नवाज का। दोस्तों, मोहम्मद नवाज ने सिर्फ 2 ही बल्ले खेली थी। दोस्तों, आखिरी ओवर था इसलिए मोहम्मद नवाज को उड़ाने की सोची, लेकिन दोस्तों ड्वेन पिटेरियस ने टारगेट स्टंप पे गेंद मारने की सोची। और दोस्तों, उन्होंने थोड़ा सा यॉर्कर टाइप में गेंद मारा और टारगेट स्टंप में लग गई बॉल, और इस कारण मोहम्मद नवाज को भी पवेलियन जाना पड़ा। तो दोस्तों, ये तो बात थी इनके 5 विकेट की। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके पूरे की पूरी बॉलिंग स्टार्ट्स की। तो दोस्तों, ड्वेन पिटेरियस ने पूरे के पूरे 4 ओवर करे थे। और दोस्तों, ड्वेन पिटेरियस ने इन 4 ओवर में से एक भी मेडिन ओवर नहीं करा था। लेकिन दोस्तों, ड्वेन पिटेरियस ने सिर्फ और सिर्फ 17 रन दिए थे अपने इस पूरे के पूरे इनिंग्स में। और दोस्तों, उन जैसे कि आपको पता होगा कि उन्होंने कुल 5 विकेट छटके। और अगर बात करते हैं ड्वेन पिटेरियस की इकोनॉमी में, तो दोस्तों वो सुन के आप चुप जाओ कि ड्वेन पिटेरियस की इकोनॉमी थी 4.25 की। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी इकोनॉमी मानी जाती है T20 मैच में। और दोस्तों, लोगों का तो कभी कभी ये सपना होता है कि जी हमारी इकोनॉमी रहे T20 में। यानी दोस्तों, मैं कुछ गेंदबाजों के बारे में बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, सबसे कम इकोनॉमी इनकी ही थी सारे बॉलर्स में और इस इनिंग्स में। तो दोस्तों, मुझे लगता है मुझे जो आपको बताना था वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे गिरा ड्वेन पिटेरियस ने वो 5ों की 5ों बड़ी बड़ी विकेट।